राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक मोहन भागवत की ओर से पंडितों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद संघ और भाजपा के ब्राह्मण नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए। उधर सोमवार को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मणों ने संघ प्रमुख के बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। इधर विपक्ष ने भागवत के बयान को हथियार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति बनाई है। संघ प्रमुख के बयान के बाद रविवार शाम से ही ब्राह्मणों में नाराजगी दिखनी शुरू हो गई थी। सोमवार दोपहर तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मणों ने भागवत, संघ और भाजपा को घेरना भी शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया पर भागवत के बयान की निंदा करते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन सवाल ये है कि संघ की मुख्य विचारधारा से हटकर क्या भागवत को मुसलमानों की जरूरत पड़ गई है? क्या मोहन भागवत को पीएम मोदी की ही तरह पसमानदा मुसलमानों की वाकई में चिंता है या फिर सब कुछ चुनावी है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मिजोरम सहित 9 राज्यों में चुनाव होना है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में भाजपा सबसे अधिक यूपी पर निर्भर है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और जाहिर है कि यूपी ओवरऑल चुनावी जीत भी निर्धारित कर सकती है। यूपी में ब्राह्मण समाज की करीब 12% आबादी है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाज की नाराजगी भाप कर संघ और भाजपा के नेताओं ने भागवत के बयान का बचाव किया है। संघ से लेकर भाजपा तक बचाव में उतरे। सबसे पहले आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि मोहन भागवत ने पंडित शब्द का उपयोग ज्ञानियों के लिए इस्तेमाल किया था, न कि किसी जाति धर्म के लिए। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने भाषण के दौरान पंडित शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब विद्वान या ज्ञानी होता है। इसका गलत मतलब निकालकर मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपाइयों ने किया बचाव, विपक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है बयान। भाजपा के नेताओं ने संघ की लाइन को ही आगे बढ़ाया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने पंडित शब्द का उपयोग ज्ञानी या विद्वान के लिए किया है, न कि ब्राह्मण समाज के लिए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और श्रम कल्याण परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंडित सुनील भराला का कहना है कि विपक्ष भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ब्राह्मण समाज विपक्ष के बहकावे में आने वाला नहीं है। संघ प्रमुख का बयान किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने पंडित शब्द का उपयोग ज्ञानी या विद्वान के लिए किया है। एक तीर से दो निशाने साध रहा है विपक्ष। रामचरितमानस की चौपाई पर भाजपा को घेर रहा विपक्ष अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को हथियार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने में जुट गया है। विपक्ष की रणनीति है कि रामचरितमानस की चौपाई के जरिए भाजपा और संघ को दलितों और पिछड़ों के बीच कटघरे में खड़ा किया जाए। साथ ही इस मुद्दे को हवा देकर अब ब्राह्मणों में भी नाराजगी पैदा की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। इसी तरह रामचरितमानस की चौपाई पर विवाद खड़ा करने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ प्रमुख के बयान को आधार बनाते हुए कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि भागवत के बयान ने धर्म की आड़ में गाली देने वाले ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। यदि ये बयान मजबूरी नहीं है तो भागवत को साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर गलत टिप्पणी हटानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि क्या पंडितों पर बयानबाजी कर सर संचालक किसी विशेष जाति धर्म को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल में अपनी लीक से हटकर बयानबाजी सवाल बजाहिर खड़े करती है।